इस एपिसोड के शुरुआत में हम उसी जगह पर एक आदमी को देखते हैं जो कि उधर आता है, जो इन दोनों से कहता है कि वो क्या है ना, ये पार्क बंद होने वाला है। ये बात सुनकर फ्यूकी कहती है कि हाँ बहुत वक्त हो गया, हमें बस यहाँ से निकलने के लिए पहले स्टेशन पहुँचना होगा। लेकिन तभी ये आदमी बताता है कि बस तो निकल चुकी है। फ्यूकी कहती है कि अभी नहीं, अभी बस एक बाकी है। जिस पर वो आदमी कहता है कि ज़रूर तुम वीकडे के बारे में बात कर रही होगी, पर वीकेंड्स पे शेड्यूल बदल जाता है। जिस वजह से ये बात सुनकर दोनों अपने पेरेंट्स को कॉल करने लगते हैं। सुभाषा अपने डैड को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि वो अपने दोस्त के साथ हिगाशी माकोटो नाम के एक जगह पर है। सुभाषा की बात सुनकर उसके डैड मैप देखकर सोचते हैं कि हिगाशी माकोटो का सफ़र तक लगभग 1 घंटे का है, तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। अब सुभाषा के डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपने दोस्त के साथ वक्त गुजारना चाहते हो। सुभाषा कहता है कि हाँ। सुभाषा के डैड कहते हैं कि चलो ठीक है। फिर इसके बाद अगले सीन में हमें सुभाषा को काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाया जाता है। फ्यूकी बताती है कि मेरे डैड का एक दोस्त यहाँ पर हॉस्टल में काम करता है, तो हम दोनों वहाँ पर रुक सकते हैं। इसके बाद ये दोनों एक ही कमरे में आ जाते हैं। सुभाषा के डैड को लग रहा था कि सुभाषा अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ है, इसी वजह से इन दोनों को वहाँ पर वो कमरा बुक कर दिया था। और इसी वजह से अब सुभाषा समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। लेकिन तभी फ्यूकी सुभाषा से कहती है कि बिल्कुल एक स्लीप ओवर की तरह है ना ये। ये बात सुनकर सुभाषा फ्यूकी से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी चिंता नहीं हो रही होगी। फ्यूकी कहती है कि मैं अपनी माँ को अपने बारे में बता चुकी हूँ कि मैं किसके साथ हूँ। और उसके बाद ये दोनों डिनर करने के लिए चले जाते हैं। और जब ये डिनर से वापस आते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुभाषा जो होता है वो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है उसे कि वो फ्यूकी के साथ एक ही कमरे में है। लेकिन तभी फ्यूकी नहाने के लिए चली जाती है। और इसके बाद सुभाषा टीवी देखने लगता है, लेकिन टीवी देखकर सुभाषा फ्यूकी के साथ बिताए हुए दिन याद आने लगते हैं। और इसी के बाद सुभाषा ये भी सोचता है कि फ्यूकी से कभी भी नहीं मिल पाएगा। दूसरी ओर हम फ्यूकी को नहाते हुए देखते हैं, जो कि थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है। और उसके बाद सुभाषा को वो देखती है कि जो कि सो रहा होता है, और वो उसकी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक चली जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्यूकी उस कमरे का अपना सारा सामान लेकर जा रही होती है, और वो सुभाषा के लिए एक लेटर छोड़ा होता है। दूसरी ओर हमें सावित्री को दिखाई जाती है जो कि गेमिंग टैबलेट को लेते हुए अपने साथ जा रही होती है, क्योंकि सुभाषा काफ़ी वक्त से गेम खेलने के लिए नहीं आया है और ना ही सावित्री को उसने कोई मैसेज का जवाब दे रहा है। अब यहाँ पर सावित्री अकेली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक दो लड़कियाँ आ जाती हैं जो कि सावित्री की दोस्त होती हैं। और तभी उस रेस्टोरेंट के फ्यूकी की माँ उसके साथ आ जाती है। दूसरी ओर रेना सेनपाई और सुभाषा के घर जाती है कुछ मोची शेयर करने के लिए। अब इसके बाद सुभाषा के पापा देखते हैं कि क्या तुम सुभाषा से मिलना चाहती हो, वो अभी अपने कमरे में है तो तुम जा सकती हो। रेना सेनपाई कहती है कि वो मुझे काफ़ी वक्त से नहीं दिखा, इसी वजह से मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं वो बीमार तो नहीं है। जिस पर सुभाषा के पापा कहते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत और है तुम मुझे बता देना। इसके बाद रेना सेनपाई सुभाषा के पापा को गुड बाय बोल के वहाँ से जाने लगती है। वहीं अगले सीन में हमें फ्यूकी को देखते हैं जो कि कहती है कि उसने बताया नहीं कि तुम विदेश जा रही हो। सायरी और फ्यूकी एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। फ्यूकी कहती है कि जब हम कल दोनों घूमने गए थे तब मैंने उसे बता दिया था। लेकिन तभी फ्यूकी की माँ उसका मैसेज आता है और कहती है कि उनके जाने का वक्त हो चुका है। इसके बाद फ्यूकी सायरी को गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद सायरी सुभाषा को मैसेज करती है, और सुभाषा देखता है कि सायरी ने मैसेज में कुछ कहा है कि फ्यूकी एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है, क्या तुम उसे अलविदा कहने के लिए नहीं जाओगे। सुभाषा फ्यूकी को लेटर देख रहा था जिसमें फ्यूकी ने लिखा है कि मुझे माफ़ कर देना सुभाषा, मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है और तुम सो रहे थे, इसी वजह से मैं तुम्हें जगा नहीं पाई। इसके बाद हम सुभाषा को देखते हैं जो कि फ्यूकी से अलविदा तो कहना चाहता है, पर उसका शरीर हिल ही नहीं रहा। इसी वजह से वो ज़ोर से अपने हाथ टेबल पर मारता है, और तभी उसके बैग से फ्यूकी का एक हेयर पिन गिरता है। ये हेयर पिन देखकर सुभाषा सोचता है कि आखिर फ्यूकी का हेयर पिन मेरे बैग में क्या कर रहा है, मुझे ये वापस देने के लिए जाना चाहिए। इसके बाद सुभाषा अपने पापा के पास आता है। वह आते ही उनसे कहता है कि प्लीज़ आप मुझे एयरपोर्ट तक ले के चलिए। जिस पर सुभाषा के पापा कहते हैं कि माफ़ करना, मैं जल्दी एक मीटिंग होने वाली है, आखिर तुम अचानक से एयरपोर्ट क्यों जाना चाहते हो। सुभाषा कहते हैं कि मैं किसी को अलविदा कहना चाहता हूँ। और सुभाषा को इतना सीरियस देखकर उसके जो पापा होते हैं वो मीटिंग को थोड़ा डिले कर देते हैं। इसके बाद हम एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम फ्यूकी की माँ को देखते हैं जो कि विदेश जाने की बात पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन फ्यूकी सिर्फ अपने फ़ोन को ही घूर जा रही थी। ये देखकर फ्यूकी की माँ कहती है कि तुम चिंता मत करो, वहाँ पहले दिन से ही मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। दूसरी ओर सुभाषा अपने पापा के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था, और कुछ देर बाद फ्यूकी की फ्लाइट का वक्त हो जाता है, और फ्यूकी की माँ उससे कहती है कि मैं बाथरूम जा रही हूँ तो तुम गेट पर ही इंतज़ार करना।
उनके जाने के बाद फ्यूकी कहती है कि वो शायद से नहीं आने वाला, शायद से एक छोटी हेयर पिन काफ़ी नहीं था। और इसके बाद फ्यूकी गेट की तरफ जाने लगती है और इस टाइम पर फ्यूकी की काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज़ आती है और अगले ही पल हम सुभाषा को देखते हैं जो कि आकर उसका हाथ थाम लेता है। दूसरी ओर बाथरूम के आने के बाद फ्यूकी की माँ को वो दोनों साथ दिखाई देते हैं। अब सुभाषा को वहाँ देखकर फ्यूकी पूछती है कि तुम यहाँ? तो तभी सुभाषा कहता है कि मुझे अपने बैग में तुम्हारा एक हेयर पिन मिला है। यह देखकर फ्यूकी कहती है कि मुझे देने के लिए तुम दौड़े चले आए, शुक्रिया। इसके बाद सुभाषा कहता है कि मैं सच में होकाइडो होकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, तुमसे मिलकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शुरू में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि मैं होकाइडो की चीज़ें अच्छे से नहीं समझ पा रहा था, लेकिन होकाइडो में आने के बाद तुमने मेरा हमेशा साथ दिया। तुम्हारी वजह से ही मेरा हर दिन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहा। और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कितने वक्त बाद देख पाऊँगा, शायद से 6 महीने या फिर 1 साल बाद, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और जब तुम वापस आओगी फिर हम दोनों दोबारा से चेरी ब्लॉसम देखने चलेंगे। लेकिन तभी फ्यूकी बोलती है कि वो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए विदेश जा रही है, ये बस एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है। ये बात सुनकर सुभाषा की सट्टी पट्टी गुल हो जाती है और वो बेचारा शर्म के मारे वहीं बैठ जाता है। तभी फ्यूकी कहती है कि 2 हफ्ते दूर रहना मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और इसके अलावा मैं पहली बार विदेश जा रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने ज़्यादा नर्वस हो जाऊँगी। लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, जब मैं वापस आऊँगी तब मैं तुम्हारे जितना कूल बन चुकी होंगी। फ्यूकी को इस तरह से हंसता हुआ देख कर सुभाषा भी काफ़ी ज़्यादा मुस्कराने लगता है और इसके बाद फ्यूकी प्लेन में बैठ कर विदेश जाने के लिए रवाना हो जाती है। सुभाषा भी वहीं पर अपने डैड के साथ सुशी खाने के लिए चले जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। सुभाषा अपनी क्लास में आता है और सायरी उसके पास आकर उसे बताती है कि इस हफ्ते एक इवेंट होने वाला है जिसमें तुम एक रेयर आइटम पिक कर सकते हो। सायरी यहाँ पर अपनी गेम की बात कर रही थी। फिर क्लास शुरू हो जाती है और इसके बाद टीचर जो होती है वो अटेंडेंस लगाना शुरू कर देती है। जैसे ही फ्यूकी के नाम की बारी आती है, फ्यूकी दरवाज़ा खुलकर क्लास में आ जाती है। आखिर 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और फ्यूकी को देखकर पूरी क्लास काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और सुभाषा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फ्यूकी अपनी सीट पर बैठ जाती है और तभी सुभाषा फ्यूकी को वहीं एक चीज़ देता है जिसे वो अपने साथ लेकर आया था, और ये होता है एक चिकन। और अब इसके बाद फ्यूकी जो क्लास में होती है उस चिकन को खाने लगती है और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फ्यूकी भी सुभाषा को वो चिकन देती है और सुभाषा भी एक बाइट लेता है। इसी वजह से टीचर वहाँ आ जाती है और वो इन दोनों पर गुस्सा करने लगती है। इसके बाद टीचर कहती है कि क्लास ख़त्म होने के बाद तुम दोनों मुझे ऑफिस में आकर मिलो, और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। तो गाइस आपको ये सीरीज़ कैसी लगी? अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।